आप भी वक्त से पहले गंजे हो रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम है बालों में एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, डोंट वरी, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से सोल्यूशन के साथ। तो चलो देख लेते हैं वो क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये वाली जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बालों की प्रॉब्लम तो हर किसी को है। जी हाँ, हर किसी को बालों की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि रोना तक आ जाता है अपने बालों को देख के, अपने बालों का हाल को देख के। जी हाँ, सो ये जो होम रेमेडी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो क्या है, कैसे यूज करना है, इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले ऐसा होता था ना कि विंटर्स आते ही बालों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। विंटर्स हो, समर्स हो या फिर मॉनसून हो, बालों की प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। जी हाँ, हमारे जो बाल है टाइम से पहले इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि हम टाइम से पहले ही गंजे हो जा रहे हैं। जी हाँ, एंड बहुतों को तो जैसे कि मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती थी, जैसे कि बालों के रूट्स में पेन होना एंड बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना, बहुत ज्यादा डैंड्रफ होना एंड बहुत ज्यादा इचिंग, मतलब बहुत ज्यादा इचिंग होना। सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि एक मिथ है कि डैंड्रफ होने से बाल झड़ते हैं। जी नहीं, डैंड्रफ होने से बाल नहीं झड़ते हैं। डैंड्रफ होने से जो हमारी इचिंग होती है, इचिंग करने की वजह से रूट्स हमारे टूट जाते हैं एंड उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो डैंड्रफ की वजह से नहीं, बट डैंड्रफ की वजह से होता है, मतलब नहीं भी और हाँ भी, क्योंकि डैंड्रफ होगा तो इचिंग होगा, इचिंग होगा तो बाल टूटेंगे। बट बेसिकली कि जो डैंड्रफ होने से ही बाल टूटते हैं, नहीं, अगर डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा इचिंग नहीं हो रहा है तो आपके बाल नहीं टूटेंगे, नो प्रॉब्लम। बट डैंड्रफ देखने में बहुत ज्यादा गंदा लगता है, तो उसके वजह से, तो उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन करना जरूरी है हमें। एंड सबसे पहली बात कि बालों का टूटना बहुत ज्यादा अजीब लगता है एंड पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर हमारे बाल टूटे तो। जी हाँ, इसी के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम बचपन में तो यूज करते थे, हमारे बाल बहुत ही ज्यादा शाइनी, हेल्दी एंड स्ट्रांग हुआ करते थे, बट हमारे फैशन की वजह से हम नहीं यूज करते हैं अभी, बट मैं अभी भी करती हूँ उसको यूज। जी हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए, ताकि मेरी फैमिली जो है, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, उनके बालों में भी बहुत ज्यादा जान बनी रहे एंड बहुत ज्यादा अच्छी रहे, हेल्दी रहे। सो ये रेमेडी क्या है, इसको कैसे यूज करना है, उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उससे पहले कुछ बातें मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कि अगर आपके बालों में इचिंग हो रही है, डैंड्रफ है या फिर रूट्स में पेन, जी हाँ, हमारे जो बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जो हमारी थिकनेस कम हो जाती है ना, तो बालों के रूट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। जी हाँ, कुछ इस तरीके से हाथ देने से या फिर ऐसे होने से रूट्स में पेन होता है, तो उससे घबराना नहीं है, कुछ वैसा कुछ नहीं हो गया, कोई बीमारी नहीं हुआ है, वो जस्ट हमारे बालों की कमजोरी की वजह से होता है। जी हाँ, क्योंकि बालों का थिकनेस बहुत ज्यादा कम हो गया है एंड उसके वजह से हमारे बालों में बहुत ज्यादा पेन भी होता है। मुझे ये होता था, बट जब से मैंने ये रेमेडी स्टार्ट किया है मेरे बालों में कोई पेन नहीं होता है। तो उसी के लिए आज मैं आप लोगों के साथ वो रेमेडी शेयर करूंगी। अगर आपको अपने बालों को बचाना है ना, तो ये जरूर वीडियो लास्ट तक देखना एंड इस होम रेमेडी को जरूर यूज करना। एंड राइट नाउ आप लोग देख सकते हो मेरे बाल कितने ज्यादा शाइनी एंड कितने ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं, कोई स्प्लिटन्स नहीं है, कोई डैंड्रफ नहीं है, लुक एट द स्कैल्प। वैसे तो मैंने नेचुरल लाइट में भी आप लोगों के लिए ब्यूटी शॉट लिया है, तो वो जरूर देख लेना। सो जल्दी से देख लेते हैं इस होम रेमेडी को बनाना कैसे एंड कैसे यूज करना। गाइस, आप लोग देख ही सकते हो जिस होम रेमेडी की मैं बात कर रही थी वो है सरसों का तेल, जो कि मस्टर्ड ऑयल है, एंड देन इसमें हमने मिक्स किया 2 ड्रॉप्स ऑफ घी, 2 ड्रॉप्स ऑफ कैस्ट्रोल ऑयल एंड 1 विटामिन का कैप्सूल पूरा, एंड देन इसको अच्छे से मैंने पूरा को मिक्स कर लिया है, चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बालों को मैंने खोल लिया है। नेचुरल लाइट में मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि बाद में बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था एंड इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में। एंड आप लोग देख सकते हो पूरे बालों में किस तरीके से, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे के बाद शावर लेना है, तो इसीलिए मैंने अभी इसको लगाया है। मैं ओवरनाइट नहीं रख पाई क्योंकि मुझे कहीं जाना था अगले दिन, इसीलिए तो इसके वजह से मैं नहीं ओवरनाइट रखी, नहीं तो मैं ओवरनाइट ही रखती हूँ तेल लगाने के बाद। अच्छे से पूरे पार्टीशन कर करके पूरे बालों में मैंने लगा लिया है एंड पूरा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है किस तरीके से मैंने बालों में लगाया, क्योंकि इस तरीके से नहीं लगाने से रूट्स में नहीं पहुंचते हैं। लगाने के बाद अच्छे से रूट्स में मसाज करो ताकि अंदर तक पेनिट्रेट हो
एंड देन आप लोग अपने लेंथ पे भी लगाओ, लेंथ पे मत छोड़ना, लेंथ पे भी लगाना। सबसे पहले मैं बता दूं कि सरसों के तेल से जितना पोषक मिलता है उतना किसी भी चीज़ से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बालों को। देन हमारे सरसों के तेल में ए डी ई और के विटामिन पाए जाते हैं। अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है, यहाँ पे बन बना लिया है। 2 घंटे के बाद इसको मैं वॉश करूँगी। नेचुरल लाइट में आपको शाइन दिखा रही हूँ मैं, एंड कितना ज़्यादा स्मूथ शाइनी एंड कितना ज़्यादा हेल्दी लग रहा है बालों को, देख सकते हो। अकेले ही शूट कर रही थी इसलिए कभी कभी वॉशअप कर रहा था कैमरा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड देन इससे बहुत ही अच्छे से कंडीशन होते हैं सरसों के तेल से हमारे बाल। एंड देन उसके बाद हमारे जितने भी डैंड्रफ है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है बिल्कुल दूर हो जाती है। जी हाँ, ये तो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि सरसों के तेल से हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे से कंडीशन होते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको, फ़ायदा चाहते हो तो। गाइस, आप लोगों ने देख लिया इस होम रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। जी आप चाहो तो ओवरनाइट रख सकते हो, पूरा एक दिन रख सकते हो, बट अगर आप घी मिक्स कर रहे हो, जी हाँ, अगर थोड़ा सा भी घी लगा रहे हो तो ओवरनाइट मत रखो, क्योंकि जितना देर घी रखोगे उतना ज़्यादा निकालने में प्रॉब्लम होता है। शैम्पू करने में बहुत आपको पेशेंस के साथ उसको शैम्पू करना पड़ता है, स्कल्प को अच्छे से मसाज करते हुए, तभी घी आपका जो है बालों से निकलेगा, वरना थोड़ा सा जम जाता है। एंड अगर आपको घी स्किप करना है तो एब्सोल्युटली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर घी नहीं होगा तो, बट अगर घी होगा तो वो रामबाण का काम करेगा। जी हाँ, तो अगर लगा पाओ तो जरूर यूज कर। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसको 1 से 2 हफ्ते के लिए रेगुलर यूज करो एंड आप 2 हफ्ते में ही फर्क देखोगे। जी हाँ, बालों का टूटना, बालों में इचिंग, डैंड्रफ सब कम हो जाते हैं, तो इसको जरूर ट्राई करना। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए चिल्ड्रन, सी यू, बाय गाइस।